और इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, किसानों के समर्थन में देश के अलग अलग जगहों पर कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। दिल्ली में एलजी हाउस के बाहर राहुल और प्रियंका की अगुवाई में कांग्रेसी कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। लखनऊ में भी कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है और प्रदर्शन के दौरान यूपी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को हिरासत में ले लिया गया है। के बाहर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। किसानों के समर्थन में कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है और ठीक एलजी हाउस के बाहर कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। राहुल और प्रियंका भी साथ हैं और बताया जा रहा है कि राजभवन तक ये मार्च को ले जाया जाएगा, किसानों के समर्थन में कांग्रेस का प्रदर्शन। वरुण सिन्हा मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। वरुण, एलजी हाउस के बाहर प्रदर्शन जारी है, किस स्तर पर हम देखें कि कांग्रेस हल्ला बोल है किसान आंदोलन को लेकर? लेकिन निश्चित तौर पर कांग्रेस ने संकल्प दिवस के तौर पर आज इस दिन को बनाया है और ऐसे में देश भर में तमाम जगह जो है राजभवन पर आज प्रदर्शन चल रहा है। आप खुद देख रहे हैं कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता जिन स्वदेश में जो है वो इस समय राजभवन के पास जुड़े हुए हैं और यहाँ पर तीन बैरिकेडिंग में इनको रोकने की कोशिश की जा रही है। आप देख रहे हैं पहले बैरिकेडिंग को फिलहाल तोड़ दिया गया है, दूसरी बैरिकेडिंग की तरफ जो ट्रक है वो लगातार आगे बढ़ रहा है कांग्रेस के कार्यकर्ता उत्साह से, और पीछे की तरफ देखेंगे तो लंबी लाइन आपको यहाँ पर रुजूम नजर आएगा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का। तो ये एक कांग्रेस सोच है कि किस तरीके से जो किसान आंदोलन है उसमें सीधे तौर पर नहीं लेकिन हाँ एक अलग से विकल्प के तौर पर जो है वो भागीदारी दिखाई जाए, क्योंकि आपको याद होगा किसानों ने पहले भी कहा था कि वो नहीं चाहते कि कोई भी राजनीतिक दल जो है वो इस प्रकार के कानून में उनका साथ दे, उसके आंदोलन में उनका साथ दे। तो ऐसे में कांग्रेस की सोच ये है कि देश में अलग अलग जगह प्रदर्शन करके थोड़े दिनों के अंतराल में प्रदर्शन करके और इस प्रकार के माहौल तैयार करके कहीं ना कहीं आंदोलन का सपोर्ट दिया जाए। आप देख पा रही हैं कि फिलहाल बिल्कुल इसकी बैरिकेडिंग जो है वो तीन राउंड में यहाँ पर की गई है और लगातार जो है वो राहुल गांधी जो है वो ट्रक पर बैठे हुए, उनके अलावा जो प्रियंका गांधी है कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता नेता जो है वो जमीन पर भी है, साथ में ट्रक पर मौजूद है और नारे लगाते हुए जो है चलते हुए आगे आ रहे हैं। कोशिश इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने की कांग्रेस की लगातार एक कोशिश है कि अब उसके जरिए एक माहौल तैयार किया जाए। जी जी बिल्कुल, और सुरक्षा घेरे को भी चाक चौबंद किया जा रहा है। राजभवन में क्या अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती की गई है, पुलिस की तैनाती की गई है इस मार्च को देखते हुए? देखिए राजभवन का जो रास्ता है उसको फिलहाल ब्लॉक कर दिया गया था और ये रास्ता जो है वो कश्मीर गेट के रास्ते आता है, उसके रास्ते को वहां से बंद करके फिलहाल जो मेन रोड से जो नेशनल हाईवे है उसी रास्ते को खोला गया है। और इसके अलावा तीन तरीके की बैरिकेडिंग की गई है, पहली बैरिकेडिंग को जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जो तोड़ दिया है, दूसरे बैरिकेडिंग की तरफ जा रहे हैं यहाँ पर मोटर कैरियन भी है। तो ऐसे में पुलिस की तरफ से रोकने के तमाम इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो राजभवन तक नहीं पहुंच पाए और राजभवन के पास जो है बाकायदा घेरा बनाया गया है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं सुरक्षा के लिहाज से उसको चाक चौबंद किया गया।